सभी अतिथियों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े रहे, हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन में आप सभी का अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। रक्तदान महादान के बारे में हम सब सुन रहे भी हैं। जम्मू में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला यह एक विशाल सम्मेलन, रक्तदान किया है। आप भूतपूर्व मुखिया है ब्लड बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, उपाध्यक्ष है ISBTI और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन साइंस ऑफ योगा एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर। तो हमें योग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज योग इज फॉर ह्यूमैनिटी एंड दैट लीड्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और कल हमारे 3 वर्कशॉप हुई हैं और ये 3 दिन चलेगी, जिसमें मैक्सिमम हमने दिया कि जो वॉलेंटियर डोनर्स हैं हमारे कैंप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको 2 दिन दिए और हमने और स्टूडेंट को टाइम दिया। तो ये है कि सेफ ब्लड वॉलेंटियर डोनर का लिया हुआ जिसमें प्योरिटी है वो ब्लड बैंक में वेट करे मरीज के लिए कि मेरे को आके ले जाओ, ना कि मरीज वेट करे। जिसे सेहत किया वो ये है कि सुबह उठो तो यू शुड बी एंथुजियास्टिक टू वर्क एंड यू शुड बी कंपैशनेट फॉर अदर्स। वो क्वालिटी सर्वे है, इसीलिए इनके। इससे पहले कि मैं मंच पर माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को 47वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में वर्तमान ट्रेंड, प्रगति और भविष्य की चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए देशभर से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट आज सभागार में इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंदिरों के शहर जम्मू में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम निश्चित रूप से एक नई दिशा प्रदान करेगा। मैं थोड़ी देरी से आया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। कार्यक्रम का स्वरूप जो था उसमें मुझे अंत में बोलना था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे टेलीविजन में कोई बढ़िया सीरियल आप देखते हैं तो विज्ञापन पहले आता है, सीरियल बाद, तो मैं विज्ञापन के तौर पर ही उपस्थित हूं। मुझे लगा कि सीरियल का आनंद आप बाद में विज्ञापन पहले ही देख लें ताकि आपको दिक्कत न हो, इसलिए मैंने आग्रह किया कि मुझे पहले ही अपनी बात करने का अवसर दिया जाए। अभी आपके समक्ष अनेक विशेषज्ञ विचार रखेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के, ट्रांसफ्यूजन को लेकर के। यहां अधिकांश वे लोग उपस्थित हैं
जो इंसान के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं और इस लड़ाई में सक्रियता से जुटे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रैना को मैं सुन रहा हूं और बताया भी गया, तो ये परोपकारी चेहरे हैं हमारे समाज के। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो पिछले 75 सालों में देश में हमारे और दुनिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रगति हुई, ऐसा लोग कहते हैं। मैं थोड़ा इससे भिन्न मत रखता हूं। हमारे देश में मेडिकल साइंस आज नहीं, बहुत पहले जो दुनिया के दूसरे देशों में उस तरह की प्रसाइज सर्जरी नहीं होती थी तो हिन्दुस्तान में होती थी। और अगर दुनिया में हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने